ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, आप ललन टॉप देख रहे हैं। ये सेगमेंट है पड़ताल। इसमें हम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेजेस की सत्यता जांचते हैं। टीपू सुल्तान मर गए, राजा थे, सब मर जाते हैं एक दिन। नए सिरे से उनमें दिलचस्पी हुई बचपन में, तो तब जब उन पर एक सीरियल बनाया द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान के नाम से। लेकिन इधर पिछले 10-15 सालों से कर्नाटक की पॉलिटिक्स में टीपू सुल्तान कांग्रेस और भाजपा और जनता दल का जो वहाँ पर धड़ा है उसके बीच एक फुटबॉल की तरह बन गए हैं। किसी को अपना हिंदू धर्म, किसी को अपना कथित सेकुलरिज्म, ये सब साबित करना है और उसके लिए टीपू सुल्तान पर अलग अलग दावे, किसी को टीपू जयंती मनानी है, किसी को विरोध करना है। इन सब के बीच हम बार बार ये कहते हैं कि टीपू सुल्तान के बारे में पढ़िए, हर शासक में कुछ खूबियाँ कुछ खामियाँ होती हैं, टीपू सुल्तान में भी थी। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर टीपू सुल्तान की एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, आइए अपन भी देखते हैं। ये देखिए, बताया जा रहा है ये टीपू सुल्तान का फोटो है, कहीं से भी योद्धा लग रहा है, इससे सही तो करीम काना पंक्चर वाला लगता है। ये तस्वीर टीपू सुल्तान की बताई जा रही है। क्या दावा है? ये टीपू सुल्तान की फोटो है, करीम काना पंचर वाले से गए गुजरे पर भी फिल्म बन सकती है, सोचकर हंसी आ रही है। वामपंथी इतिहासकारों ने कितना झूठ लिखा और फैलाया अपना एजेंडा सेट करने के लिए, और अब भी फिल्मों के जरिए इन लुटेरे आक्रांताओं को हीरो बनाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुझे लगता है इस लुटेरे गुंडे की फिल्म का बहिष्कार के साथ विरोध भी होना चाहिए। ये देखिए फोटो और मैसेज, रियलिटी ऑफ कांग्रेस के नाम से कोई पेज है, उसमें हमने पड़ताल की, पड़ताल में ये दावा झूठा निकला। पहली तस्वीर जो टीपू सुल्तान की तस्वीर बताकर सर्कुलेट की जा रही है, ये तस्वीर है। योंडेक्स पर हमने रिवर्स इमेज सर्च किया तो हमें फोटो स्टॉक एजेंसी गेटी इमेजेस का लिंक मिला। इस लिंक पर जो तस्वीर मिली वो वायरल हो रही तस्वीर से मिलती जुलती है। डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये तस्वीर 1880 में बनाई गई थी। फोटो में दिख रहे शख्स का नाम रूमा लिजा था। ये वर्तमान तंजानिया के उजजी शहर में गुलामों और हाथियों के दांत का व्यापार करता था आदमी। फिर हमें दुनिया कांगो टीवी की एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन खल्फा अल बरवानी उर्फ रूमा लिजा, जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया, ये टिप्पू टीप नाम के एक बड़े व्यापारी का सहयोगी था। रूमा लिजा बरवानी वंश में पैदा हुआ था, लेकिन अपना व्यापार बढ़ाने के लिए वो जंजीबार छोड़कर कांगो आ गया था। ये देखिए रूमा लिजा के बारे में और जानकारी। दूसरी तस्वीर जो आपको टीपू सुल्तान की बता के दिखाई जा रही है, इसको हमने रिवर्स सर्च किया तो हमें द इलस्ट्रेटेड लंडन न्यूज़ का एक कवर मिला। इस तस्वीर के नीचे नाम लिखा था टीपू टिप, ऊपरी कांगो का अरबी मुखिया। अभी ऊपर भी टीपू टिप का जिक्र आया, कांगो एक जगह। 7 दिसंबर 1889 की तारीख दर्ज थी। हमने इस अखबार का आर्काइव खंगाला, हमें 1889 में 7 दिसंबर के अंक में ये तस्वीर पहले पेज पर मिल गई। ये देखिए ये तस्वीर इलस्ट्रेटेड लंडन न्यूज़ के पेज वन पे। और सर्च करने पर हमें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज़ का आर्टिकल मिला। यह आर्टिकल अफ्रीका के संसाधनों की लूट के बारे में है। इसमें दर्ज है कि टिप्पू टीप ने किस तरह से यूरोपियन व्यापारियों की हाथी दांत और गुलामों के व्यापार में मदद की। टिप्पू टीप ने डेविड लिविंगस्टोन और हेनरी मॉर्टन स्टैनली को मध्य और पूर्वी अफ्रीका को एक्सप्लोर करने में मदद भी की। टिप्पू टीप 1837 पैदा हुआ, 1890-91 उसने मकाम छोड़ा, देश लौट गया, वहाँ उसने स्थानीय भाषा में अपनी आत्मकथा भी लिखी। ये देखिए सेंटर ऑफ अफ्रीकन स्टडीज़ की वो रिपोर्ट, उसका शीर्षक टिप्पू टीप। history.com इसकी रिपोर्ट के मुताबिक डेविड लिविंगस्टोन एक खोजी था, अफ्रीका आने के बाद खो गया था। न्यूयॉर्क हेराल्ड नाम के अखबार ने नौजवान पत्रकार स्टैनली को उसका पता लगाने के लिए अफ्रीका के सफर पर भेजा और डेविड लिविंगस्टोन का पता लगने में 6 साल लग गए। तो क्या स्पष्ट हुआ इस पूरी राम कहानी से कि इस टिप्पू टीप का और दूसरे आदमी का टीपू सुल्तान से कोई संबंध नहीं है। टीपू सुल्तान 1750 में पैदा हुआ और 1799 में श्रीरंगपट्टनम की जंग में मौत हो गई। 1782 से 1799 तक उसने मैसूर पर राज किया। इससे पहले भी टीपू सुल्तान पर बन रही एक कथित फिल्म और उसमें शाहरुख खान के होने की बात थी। ये देखिए उसके बारे में भी हमने आपको बताया था, ये एक फैन मेड ट्रेलर चल रहा था, बहिष्कार करो, इसमें शाहरुख खान को टीपू सुल्तान बताया जा रहा था। तो इस तरह की कोई फिल्म नहीं बन रही है। अगर फिल्म बनेगी अच्छी होगी तो लोग देखेंगे, देखनी चाहिए। फिल्म को इस तरीके से किसी के पॉलिटिकल टूल का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई मैसेज आता है जिसकी सत्यता संदिग्ध लगती है तो भेजिए ललन टॉप के पास पड़ताल के लिए। हमारा पता है पड़ताल मेल @gmail.com
और ललन टॉप आपसे हमेशा कहता है कि सोशल मीडिया के ज्ञान के भरोसे मत रहिए, खुद भी पढ़िए। जैसे इस पिछली पड़ताल में हमने नीचे आपको एक स्टोरी का लिंक दगाया था, ये देखिए, और उस स्टोरी में हमने एक किताब का जिक्र किया था, द लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान, केट ब्रिटलबैंक की ये बुक। तो आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं टीपू सुल्तान के बारे में, उसके पहले उनके जो फादर थे हैदर अली उनके बारे में, जो दक्कन के अलग अलग साम्राज्य थे उनके बारे में, उनको पढ़िए और उनके आधार पर अपनी राय कायम करिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सही जगह प्रामाणिक जगहों से पढ़ना और भी ज़रूरी है।